वेलकम टू द बिग बेंच डेली। आर्ट डायरेक्टर और एनडी स्टूडियो के मालिक नितिन देसाई की मौत को लेकर कुछ नए अपडेट्स आए हैं सामने। पुलिस को नितिन देसाई के ऑफिस से एक वॉइस रिकॉर्डर मिला है जिसमें 11 ऑडियो क्लिप्स हैं। उनमें से एक ऑडियो क्लिप में नितिन ने एक फाइनेंस कंपनी का नाम भी लिया है जो उनको लगातार परेशान कर रही थी। उन्होंने अपने आर्थिक संघर्ष के बारे में भी इसमें डिटेल में बताया। नितिन देसाई ने ऑडियो क्लिप में कहा है कि उनकी कंपनी कुछ सालों से फाइनेंशियल क्राइसिस की शिकार हो गई थी, जिसका जिम्मेदार उन्होंने एक फाइनेंशियल फर्म को ठहराया है जिनकी लोन रिकवरी पॉलिसीज के चलते वो कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। उन्होंने उस ऑडियो क्लिप में इस फाइनेंस कंपनी के 4 लोगों के नाम भी मेंशन किए हैं। आपको बता देती हूँ कि नितिन देसाई की कंपनी बुरी तरह से कर्ज में डूबी हुई थी। उनकी कंपनी एनडी आर्ट वर्ल्ड पे 252 करोड़ रुपए का कर्ज था, कैन यू इमेजिन, जिसमें से 185 करोड़ का कर्ज उन्होंने ईसीएल फाइनेंस नाम के एक फर्म से लिया था। ईसीएल फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म है जिसकी पेरेंट कंपनी है एडलवाइज ग्रुप। एडलवाइज ग्रुप एक बहुत बड़ी फाइनेंस फर्म है। ईसीएल फाइनेंस से उन्होंने कर्ज 2016 से 18 के बीच में लिया था और 2020 के करीब इस फाइनेंशियल फर्म ने अपने कर्जे की रिकवरी करना शुरू किया, जैसे कि प्रोसेस होता है। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, कोरोना आ गया, जिसके चलते फिल्मों की और टीवी की शूटिंग्स रुक गई, सारा काम ठप पड़ गया। तो उसी दौरान एनडी स्टूडियोज में भी टीवी और फिल्मों की शूटिंग रुक गई, और जो एनडी स्टूडियोज से नितिन देसाई को रेंट आता था वो उनकी इनकम का एक बड़ा सोर्स था, जो ऑब्वियसली स्टॉप हो गया। इसके अलावा बॉलीवुड के कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स थे जिनके साथ नितिन का झगड़ा भी हो गया, उनकी कुछ कहासुनी हो गई जिसका असर उनके बिजनेस पे भी पड़ गया, और उन प्रोड्यूसर्स ने नितिन देसाई को आर्ट डायरेक्शन का काम भी देना बंद कर दिया था। तो कुल मिला के नितिन को अपने आर्ट डायरेक्शन के काम में बहुत बड़ा लॉस हो गया, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए थे। नितिन देसाई ने अपनी एक ऑडियो क्लिप में महाराष्ट्र सरकार से ये भी अपील की हुई है कि सरकार उनके स्टूडियो को अक्वायर कर ले। उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर की कि उनके स्टूडियो के माध्यम से नए टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए। अब द बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात यह है कि बॉलीवुड में क्या किसी के पास भी इतना पैसा नहीं था जो नितिन देसाई को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने में हेल्प कर सकता। शायद बॉलीवुड के बारे में ये सच ही कहा जाता है कि यहाँ की दोस्ती सिर्फ पैसों और सक्सेस के आधार पर बनती है। आप क्या सोचते हो इस बारे में, कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, एंड प्लीज कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।